नमस्कार, मैं हूँ नेहा सोलंकी। इन दिनों कैशलेस शब्द काफ़ी सुनाई दे रहा है, कई लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। क्या है ये कैशलेस, कैसे हम इसको उपयोग में ले सकते हैं? इस सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है देवेंद्र जी गहलोत। देवेंद्र जी गहलोत, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी ऑफिसर हैं, रीजनल आईटी ऑफिसर हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, कैशलेस क्या है? कैशलेस नगद रहित कोई भी लेन देन कैशलेस कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में ऐसे कहें तो किसी भी प्रकार का नगद रहित लेन देन, जहाँ हार्ड कैश जो है वो मनी पैसा जो है फिजिकल फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं है, वो कैशलेस या नगद रहित लेन देन कहलाएगा। नकद रहित लेन देन तो हमने आज तक कभी की नहीं, तो ये कैसे संभव होगा बिना नकद के लेन देन? नगद रहित लेन देन अगर नेहा अगर इसे और सरल बनाए तो अभी तक क्या था कि हमें अगर कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, लेन देन करनी होती, तो हम अपना जो है वो हमें उसको पैसा देना पड़ता था, हार्ड कैश देना पड़ता था, या हमें बैंक जाके जो पैसा लाना पड़ता था, या अगर किसी को देना है तो वो पैसा हमें उसको हैंड ओवर देना पड़ता था, फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता था। पर हम वही पैसा जो अगर ई चैनल के माध्यम से देते हैं, चाहे उसे नेट बैंकिंग से दें या जो है वो मोबाइल बैंकिंग से दें या किसी और मीडियम के थ्रू एटीएम कार्ड से दें, तो वो जो है वो कैशलेस के अंतर्गत आएगा। तो क्या हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल नेहा, इसमें हर व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, तो जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है वो जो है इन सभी विकल्पों का जो है वो उपयोग कर सकता है अपनी बैंकिंग जो है ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, बैंकिंग से जुड़ी सभी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए। खाता तो मेरे पास भी है, तो मैं कैसे इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसमें मैं हर विकल्प को आपको एक बार बताऊंगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लें तो कार्ड द्वारा, तो कार्ड जो है वो आपके पास दो तरह के कार्ड हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, और दूसरा है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड की हम पर्टिकुलर बात करें तो ये कार्ड जो है ये आपके खाते के साथ लिंक रहता है, ये आपको जो है वो खाता खोलते समय या फिर बाद में आप किसी भी वक्त अपने बैंक में जाके जो है इसका आवेदन करके आप बड़ी आसानी से इसको जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ पिन भी आपको साथ में मिलती है जो खाते के लेन देन को सक्षम बनाती है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की, एटीएम कार्ड की। तो डेबिट कार्ड के अंदर आपको एक बार बैंक से डेबिट कार्ड प्राप्त हो गया, उसके बाद आप कोई भी ख़रीदारी करने जाते हैं या बाज़ार जाते हैं, तो उसमें आपको सामान खरीदने के बाद दुकानदार को पहले पैसा देना पड़ता था, हार्ड कैश देना पड़ता था। अब जब हम बात कर रहे हैं कैशलेस की, कैशलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको दुकानदार को सामान खरीदने के बाद जो बिल बनता है आपको उसको कार्ड देना होता है। जैसे मेरे पास ये डेबिट कार्ड है, तो इससे कैसे मैं खरीदारी कर सकती हूँ? नेहा, जैसे मैंने बताया कि हमें जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें कार्ड साथ में लेके जाना है, तो अब दुकानदार के पास जो है ये एक POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन उसके पास उपलब्ध रहती है। इस मशीन में वो आपसे बिलिंग करते समय आपसे कार्ड मांगेगा, ये कार्ड हमें उस दुकानदार को उपलब्ध कराना है। इस कार्ड जो है ये वो इसमें स्वाइप करता है इस तरह से, ये क्वाइट स्वाप करने के बाद में जो है आपको जो पिन इसके साथ जो मिला है उसे आपको दाखिल करना है। पर इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप जो पिन दाखिल करें उसे थोड़ा जो है वो उसके सामने ना करें, ताकि ये थोड़ा इसकी गोपनीयता निश्चित की जा सके। तो जैसे ही आप इसमें पिन दर्ज करती हैं तो इसमें ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाता है, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद में जो है आपके खाते से पैसा डेबिट हो जाता है, और जो दुकानदार है उसके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है और लेन देन पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आप ये जो है वो आपके मोबाइल पे इसका एक संदेश भी प्राप्त होता है, जिसमें मेंशन होता है कि आपके खाते से जो है ये इतनी रकम जो है वो डेबिट हो गई है, दुकानदार के खाते में क्रेडिट हो गई है। आपने कहा एक दूसरे प्रकार का भी कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, उसे कैसे इस्तेमाल में लेते हैं? बिल्कुल नया, ये क्रेडिट कार्ड जो है वो पूर्णतः डेबिट कार्ड के समान ही होता है। इसे हम जैसे हम डेबिट कार्ड को यूज़ ले रहे थे शॉपिंग करने में या किसी और ट्रांजेक्शन को कैशलेस बनाने में, उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड भी सेम यूज़ आता है। इसमें जो अंतर है वो ये है कि डेबिट कार्ड आपके खाते से लिंक रहता है, पर अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड
बैंक आपको उपलब्ध कराती है उसमें बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करती है और एक फिक्स अंतराल पे जो है वो आपको पेमेंट वापस बैंक को करना होता है। उस समय दुकानदार को जो है वो बैंक पेमेंट करती है आपके बिहाफ पे और आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ता है वो समय अवधि के अंदर। इसका मतलब अभी मेरी जगह बैंक ने दुकानदार को भुगतान कर दिया है और कुछ अवधि के बाद मुझे बैंक को भुगतान करना है। जी बिल्कुल नया। ये तो हो गई खरीदारी की बात। अगर मुझे मेरे रिश्तेदारों को रुपए भिजवाने हैं या उनसे रुपए मंगवाने हैं तो कैसे संभव हो सकता है ये? हमें कई सारे ट्रांजैक्शन जो है हमें पैसा भेजना पड़ता है, पैसा मंगवाना भी पड़ता है, उसके साथ ही कई सारे ऐसे दैनिक कार्य है जिसके जैसे बिजली का बिल भरना या जो है वो टेलीफोन का बिल भरना या जो है वो चेकबुक की इंक्वायरी करना, ट्रांजैक्शंस देखना, तो ऐसे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेन देन के अलावा हमें करनी पड़ती है। तो इसमें जो है वो हमारे पास माध्यम उपलब्ध है, बिल्कुल हमारे पास माध्यम उपलब्ध है और उसे हम जनरल बैंकिंग भाषा में नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हम कहते हैं। उसके अंदर आप सारे अपने जो ट्रांजेक्शन्स है, चाहे पैसा भेजना है, पैसा अगर उसमें कोई यूटिलिटी पेमेंट करना है, चेकबुक इंक्वायरी करनी है, या आपको जो है वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स देखने हैं या कोई और ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है, लेन देन जो है, वो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें कि ये फैसिलिटी कैसे अवेलेबल होती है, तो इसका भी जो प्रोसीजर है, जो इसका प्रक्रिया है, वो बहुत ही सरल है। आपको जैसा आपको एटीएम कार्ड के लिए अपनी बैंक में जाना पड़ता था और वहाँ जाके आप आवेदन करते थे या खाता खोलाते समय आप आवेदन करते थे, इसके अंदर भी आपको जो है वो अपनी बैंक शाखा में जाना पड़ेगा और या फिर खाता खोलाते समय आपको जो है उसमें ये सुविधा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपको चाहिए, तो उसमें बैंक आपको पासवर्ड उपलब्ध कराएगा जिसमें साइन ऑन पासवर्ड होता है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है। तो इस पासवर्ड आने के बाद जो है वो आपको ऑनलाइन लॉगिन करना है अपने कंप्यूटर पे, बैंक की साइट पे जाके, और उसमें वो पासवर्ड डाल के आप जो है इससे नेट बैंकिंग से जुड़ी सभी सुविधाओं का जो है वो आप लाभ उठा सकती है। पर इसमें जैसा मैंने डेबिट कार्ड में भी कहा था, मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड होते हैं बैंक द्वारा, वो आप पूर्णतः उसे गोपनीय रखें, उसको किसी के साथ भी आप जो है वो किसी को ना बताएं। अब हर समय मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर ये तो हो नहीं सकता, मगर मोबाइल हर समय रहता है, तो क्या ऐसा संभव है कि मोबाइल के जरिए मैं नकद रहित लेन देन कर सकूं? मोबाइल के ज़रिए भी, क्योंकि आज का जो जमाना है उसमें आज पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे पास मोबाइल फोन्स जो है वो अवेलेबल है और हर समय ये संभव नहीं हो पाता कि नागरिक के पास जो है वो उसका लैपटॉप पास में हो या जो है वो बैंक जा सके या लेन देन के लिए इन विकल्पों पे जा सके। तो इसके लिए मोबाइल फ़ोन एक ऐसा माध्यम है आज जो उसके पास हमेशा मौजूद रहता है, कस्टमर के पास हमेशा मोबाइल फ़ोन तो है, वो अवेलेबल रहता है, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस कर सकता है। और उस पर अगर हम इसकी बात करें कि इसको कैसे अवेल करना है, तो उसकी प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपके जो फ़ोन है उस पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करना है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और उससे एक पासवर्ड जनरेट होता है जिससे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके और अपने सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं। पर इसमें भी आपको जो है वो मोबाइल बैंकिंग लेने के लिए उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। आपको अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाना है और जाके जो है वो आपके खाते पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा के और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी लेनी है, और वो मोबाइल बैंकिंग के जो पासवर्ड आप उसमें एप्लीकेशन में डालेंगी तो आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स है, चाहे पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है या आपको जो है वो बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज कराना है, टीवी रिचार्ज कराना है, तो ये सारे जो विकल्प उसमें मौजूद है उसका आप जो है वो लाभ ले सकती है और सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कैशलेस तरीके से आप पूर्ण कर सकती हैं। तो ये तो हो गई स्मार्टफोन की बात। अब हमारे देश में कई ऐसे नागरिक हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या जिनके पास स्मार्टफोन है उन्हें इसका ढंग से उपयोग में लेना नहीं आता है। तो क्या हम सिंपल फोन से भी नकद रहित लेन देन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नेहा, इसमें
हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जो है वो बड़ी जो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो गांवों में निवास करता है, जी और वहाँ इवन हम शहरों में भी देखते हैं कई बार हमारे पास कनेक्टिविटी का जो है वो प्रॉब्लम रहती है, हम नेट नहीं चला पाते। तो इसके लिए भी जो है हमारे पास एक बहुत ही सरल माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हम NUUP मेथड हम कहते हैं। SMS बेस्ड एक मेथड है, अगर सरल इसको और सरल करें तो। इसमें जो है वो आपका, आपके पास कोई भी फ़ोन है उससे आपको एक *99# करके नंबर आता है, वो डायल करना पड़ता है। ये जी सभी बैंक के लिए कॉमन है। आपको इसको *99# डायल करना है, उसके में अपने बैंक का शॉर्ट नेम देना है या IFSC कोड डालना है, उससे आपका बैंक लॉगिन हो जाएगा। वो SMS के ज़रिए जो है वो आपको आपकी बैलेंस इंक्वायरी है या फ़ंड ट्रांसफ़र है या जितने भी जो मोड्स अवेलेबल है वो आप बैंकिंग सुविधाएं जो है वो आप उससे NUUP मेथड से किसी भी मोबाइल फ़ोन पे आप जो है उसका लाभ ले सकती हैं। कई लोगों के पास कई बैंक खाते हैं मगर सब एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है वो कई खातों में से किसी एक खाते को चयन करके नकद रहित लेन देन कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस जो है वो अभी भारत सरकार का जो है वो हमारे पास उपलब्ध है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें सभी जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो आप इसमें लिंक कर सकते हैं। सारे बैंक अकाउंट आपके इस इंटरफेस के माध्यम पे जो है वो सब जुड़ जाएंगे। उसके बाद आपको जितने भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो आपके सारे बैंक खाते जो है जो आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर है वो सभी आपको इस पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे आपको दिखेंगे। आप उसको किसी भी बैंक अकाउंट को आप सेलेक्ट करके और आप ट्रांजेक्शन्स आपका लेन देन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। और इसमें जो अभी जो एप्लीकेशन जो चल रही है हाल में जी वो है ई वॉलेट। वॉलेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर जिसे हम सबसे सिक्योर हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपना किसी भी ATM की या किसी भी कार्ड की आपको डिटेल जो है इसमें नहीं देनी पड़ती। इसमें वे अकाउंट्स आते हैं जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक है। ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर से जो है आपके खाते का डिटेल जो है वो उठाती है और वहाँ से आपके ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करती है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी पिन देने की आवश्यकता नहीं है, अपने ATM कार्ड्स की डिटेल आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपने खाते के साथ रजिस्टर कराएं। और इस ऐप्स में जितनी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि बिल पेमेंट हो गया या जो है वो आप QR कोड स्कैन करके, आजकल आप देख रहे होंगे बाजार में कि हर मर्चेंट के पास या हर दुकानदार के पास एक QR कोड अवेलेबल रहता है, तो उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं या पैसा जो है वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन अगर किसी मॉल्स में वगैरह आप जाते हैं तो वहाँ पर जाके जो है वो आप उस वॉलेट में जो पैसा है उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर किसी के पास ATM कार्ड भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे वो नकद रहित लेन देन? एक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली हमारे पास मौजूद है। आधार आज हर नागरिक के पास है, तो आप किसी भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी लेन देन को आप जो है वो अपना आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर देकर और बायोमेट्रिक जो है ये ऐसा डिवाइस मर्चेंट के पास या किसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास या जैसे आप देखते होंगे कि राशन कार्ड डीलर्स के पास ऐसे डिवाइस अवेलेबल रहते हैं, तो उस पर आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर देके और जो है वो अपना ट्रांजेक्शन आप लेन देन कर सकते हैं, कैशलेस लेन देन आप कर सकते हैं। आज आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दी है। इसमें एक बहुत उपयोगी जानकारी जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं सभी नागरिकों को मेरा ये सुझाव है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सुविधा के साथ जो है वो सुरक्षा की सतर्कता रखना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करें तो हमारा जो पिन कोड नंबर है ATM के साथ जुड़ा हुआ जो पिन कोड नंबर होता है वो हमें, वो गोपनीय कोड है और वो किसी के साथ भी जो है वो आप किसी को ना बताएं, किसी के साथ में उसको साझा ना करें। और नेट बैंकिंग अगर आप चलाते हैं तो नेट बैंकिंग के साथ जो पासवर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो आप किसी और के साथ उसको शेयर ना करें, उसे अपने तक सीमित रखें, उसको समय समय पर बदलते रहें। और अगर गलती से अगर किसी के पास, अगर आपको लगता है कि किसी ने पासवर्ड देख लिए हैं या किसी के पास जो है वो पासवर्ड्स आपके हैं, तो उसे तुरंत बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल करके या जो है बैंक शाखा में जाके आप उसे चेंज करवाएं, उसे ब्लॉक करवाएं, ताकि जो है वो आपका जो कमाया हुआ पैसा किसी गलत हाथों में ना जाए। आज आपने हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कैशलेस क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपनी मेहनत से कमाए गए धन को सावधानी रखते हुए
सुरक्षित लेन देन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।